सबसे अस्पताल से नर्स के अगवा केस में नया मोड़। मुखबिया ने अस्पताल से एक माह की छुट्टी ले रखी थी। नर्स साकिरा 11 जनवरी से अस्पताल से छुट्टी पर है। FIR में नर्स के 30 जनवरी को अगवा का जिक्र। मुकदमे में नामजद शख्स से मुखबिया का 2 साल कबल निकाह हो चुका। नर्स को ट्रेस कर लिया, जल्द बाजियाब करवाएंगे पुलिस हुक्का। बागवानपुरा में भत्ता माफिया सरगर्म हो गया। इंटरनेट का कारोबार करने वाले शहरी अकबर से 5 लाख रुपए भत्ता मांगा गया। रकम शानी जट के डेरे पर पहुंचाने का कहा गया। बागवानपुरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। महंगाई के मारे आवाम का एक और इम्तिहान। आटे के बाद अब चीनी बहरान ने सर उठा लिया। चीनी की बढ़ती कीमत के बाद इतवार बाजारों से चीनी गायब। थोक मार्केट में चीनी 2 रुपए फी किलो महंगी। ओपन मार्केट में चीनी 90 रुपए किलो दस्तयाब हो गई। वाहदत रोड मॉडल बाजार में चीनी गायब। सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए आए शहरी मायूस लौटने लगे। कोरोना वायरस का खदशा, चीन से सब्जियों की सप्लाई मुतासिर। अदरक और लहसुन के दाम मजीद बढ़ गए। चाइना अदरक 300 से बढ़कर 350 रुपए किलो हो गया। लहसुन 270 से बढ़कर 360 रुपए में फरोख्त होने लगा। मटर 115 से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गए। प्याज बदस्तूर 44 रुपए किलो में फरोख्त। आलू के दाम भी हाई। क्या पकाए क्या खाए, महंगाई के मारे शहरियों की दुहाई। महंगाई के खिलाफ अवामी रिक्शा यूनियन सड़कों पर आ गई। अवामी रिक्शा यूनियन की ठोकर ने आज बेग पर एहतजाजी रैली। रैली में रिक्शा ड्राइवर्स, दुकानदार और रेड़ी बांध शरीक। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। केनाल रोड पर रैली के बायस ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। महंगाई और गुड गवर्नेंस के मसाइल का सामना है। इत्तेहादी हुकूमत के लिए मुश्किल पैदा ना करें। वज़ीर आला, गवर्नर और स्पीकर का इंतखाब वज़ीर आज़म ने खुद किया। बलदियाती इलेक्शन भी इत्तेहादियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही ने मैच्योर बयान दिया। इत्तेहाद टूटने से दोनों का नुकसान होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मीडिया से गुफ्तगू। शामनगर सड़क का मंसूबा 3 साल से जेरे अल्तवा। जगह जगह गहरे खड्डे, पानी की पाइपलाइन भी टूट गई। मट्टी नरम होने की वजह से सड़क बैठ गई। खराब सड़क से आए रोज हादसात मामूल। इलाका मकीन इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज, नारेबाजी। सीवरेज का नाकिस निजाम शहरियों के लिए दर्द सर। रेलवे कॉलोनी के मकीन खुले गटरों और सीवरेज के नाकिस निजाम के खिलाफ सरापा एहतजाज। गलियों में जमा बदबूदार पानी ने घरों से निकलना मुहाल कर दिया। मकीनों की दुहाई। कराची से लाहौर आने वाले चीनी मुसाफिर की एयरपोर्ट पर तबीयत खराब। मुसाफिर PIA की परवाज से लाहौर पहुंचा। एयरपोर्ट पर मौजूद कोरोना वायरस टीम और डॉक्टर ने मुसाफिर का चेकअप किया। तबीयत ज्यादा खराब होने पर मुसाफिर को सबसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। FVRI कमेटी ने कोई सॉलिड रिपोर्ट नहीं दी। कोई ये नहीं कहा कि जनाब ये सिलेंडर के फटने से नहीं लगी है, शॉर्ट सर्किट से लगी है। उन्होंने गो की एक रिपोर्ट दी है। पाकिस्तान रेलवे की हालत ना बदल सकी। अंग्रेज दौर का बना ट्रैक आज भी तब्दील ना हुआ। ट्रेनों का आपस में टकराना और उतरना मामूल बन गया। महफूज तरीन समझा जाने वाला सफर गैर महफूज बनकर रह गया। उजरा के रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के दावे भी ठोस। खस्ता हाल ट्रेनों से मुसाफिरों के लिए बर वक्त मंजिल पर पहुँचना मुहाल हो गया। रेलवे मुलाजमीन भी मसाइल से दूर चार आए रोज एहतजाज पर मजबूर।
हाथ से तराशे हैरत अंगेज बन पारे। गवर्नर हाउस में हैंडीक्राफ्ट सेंटर का इफ्तिताह। लकड़ी, पत्थर और जानवरों की हड्डियों से बनी अशिया शहरियों की तवज्जो का मरकज। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने इफ्तिताह किया। बनाओ सिंगार की दिलदादा खवातीन के लिए खुशखबरी। एक्सपो सेंटर में ब्यूटी एक्सपो का दूसरा रोज। मुख्तलिफ ब्रांड का मेकअप सामान दस्तयाब। खवातीन की बड़ी तादाद सामान खरीदने उमड़ आई। आर्टी हाउस में आर्ट नुमाइश का अहतमाम। पुरानी कुतब के सारे वर्क नुमाया किए गए। इल्म अदब से लगाव रखने वाली शख्सियात की नुमाइश में गहरी दिलचस्पी। इतवार का रोज सैर तफरी पर जोर। मंचलों ने गली मोहल्लों में ही मैदान सजा लिए। खूब चौके छक्के, हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती। बच्चों की चिड़ियाघर में मौज मस्तियां। सभी जानवरों और परिंदों की अटखेलियों से महसूस होते रहे। और दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड अरफा करीम की 25वीं सालगिरह। अरफा करीम ने 9 बरस की उम्र में आईटी की दुनिया में मुल्क का नाम रोशन किया। सदारती, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत दीगर एजाजात हासिल किए।